Hello students, welcome once again on my YouTube channel EduTera. Today I came with the lesson understanding quadrilaterals, exercise 3.2 with a very important concept exterior angle some property of a polygon. So if you are new on my channel, like, share and subscribe my YouTube channel AduTera. So let's start to learn something new. EduTera mission of success. Exterior angle, some property of a polygon. So, dear students, first we will try to understand about the property and meaning of this word. So, here you can see a word exterior. ओके okay. यहाँ आप देख रहे होंगे एक शब्द है एक वर्ड है एक्सटीरियर इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब होता है कि वो एंगल्स जो पॉलीगन की बाउंड्री से लगे हुए उसके बाहर के एरिया में है यानी नॉट इन साइड दैट्स इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल एंड सम सम मीन्स उन सभी एक्सटीरियर एंगल को हम ऐड कर देंगे

तो हम इसका पहले एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करने से पहले आइए हम इसका नाम लिख लेते हैं लेट द नेम इज ए बी सी ए बी एंड सी नाउ ड्रॉ और इंक्रीज बी सी हम बी सी को इंक्रीज कर लेंगे सिमिलरली सी ए अब सी ए को इंक्रीज करेंगे आफ्टर दैट ए बी ए बी को इंक्रीज कर लेते हैं और ये कौन से हमने इंक्रीज किया है एंटी क्लॉकवाइज में ओके okay? आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज करेंगे तो ए सी इंक्रीज करना होगा और उसका नाम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड देखिए एंगल जेड अब सम पहले ही आपको बताया सम का मतलब आपस में सभी को ऐड करना तो ऐड कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि आप सोचिए इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द पॉलीगन्स चाहे वो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो पेंटागन हो एनी पॉलीगन ओके okay, आइए एक और हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इस बार हमने रेक्टेंगल को लिया है एंड वी विल ट्राई टू ड्रॉ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस रेक्टेंगल तो वी नो दैट इंटीरियर एंगल रेक्टेंगल के कितने होते हैं नाइन्टी नाइन्टी होते हैं तो सिंपल है एक्सटीरियर एंगल भी इसके 90 हो जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स समझ में आया एक क्लू दिया है मैंने सो कोई बात नहीं देखिए ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं ठीक है नाम भी लिखकर दिखा देता हूं इन्हें हम क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल अब इस एक्सटीरियर एंगल का आप जैसे वहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी एक्स वाई जेड किया था इसमें आप कुछ और कर सकते हैं चाहे तो अब आइए एक और एग्जांपल में देखते हैं पेंटागन ये देखिए एक पेंटागन आ चुका है हमारे सामने एंड एंटी क्लॉक में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं आप चाहें तो पहले नाम लिख सकते हैं इसका अब ये ड्रॉ हो गए अब इसको हम कर देंगे M1 मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल बना उसको हम दिखा रहे हैं उसके बाद इसका नाम लिख देंगे हम लोग एंगल M1, वन M3, टू थ्री फोर एंड M5 फाइव तो देखिए M1 वन हो गया M2 टू हो गया थ्री हो गया M4 फोर एंड एम फाइव हो गया अब यहां भी एक्सटीरियर का मतलब सभी का सम करके आपको लिखना है और वो सम कितना होना चाहिए या कितना होगा अभी आपके सामने आने वाला है गैस करिए मैंने रेक्टेंगल वाले में आपको बताया था और वो होगा सोचिए सभी को सम करेंगे तो क्या मिलेगा वो होगा 360 डिग्री क्या होगा वो 300 60 डिग्री अब वो चाहे पॉलीगन में कोई भी पॉलीगन हो हेक्सागोन हो रेक्टेंगल हो ऑक्ट्रागॉन हो कोई पॉलीगन हो उसका सम 360 डिग्री ही होता है सो so क्लियर तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एडिटोरा को सब्सक्राइब करें ओके हमने आपको ट्रेंगल बता दिया रेक्टेंगल बताया पेंटागन में बताया मीन्स सारे एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं ये आपको क्लियर कर दिया और कैसे बनाएंगे क्लॉक वाइज हो या एंटी क्लॉक वाइज हो इन सभी का सम कितना आएगा 360 डिग्री क्लियर है एक बार रिविजन करके आप समझ लीजिए एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन तो जितने भी होंगे हम उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी ट्रैंगल का क्या था सभी को z ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री मिल जाएगा यह हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन कोई भी पॉलीगन हो ओके तो आइए मैं आपको इस प्रॉपर्टी को लिखकर भी दिखा सकता हूं कैसे हम लोग लिखेंगे अब रेक्टेंगल का केस देख लीजिए रेक्टेंगल के केस में भी वही लिखा गया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर इक्वल टू थ्री सिक्सटी ओके तो हम लोग आगे इसको कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूं ये हमारा ये आ गया आपके सामने द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल और इन एक्सटीरियर एक्सटर्नल लिया गया एक वर्ड कहीं कहीं आपको एक्सटर्नल भी मिल सकता है दोनों का मतलब सेम है एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री तो वही जो इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है वही आपको बता दिया गया है एक्सप्लेन कर दिया गया है अब एक देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस बार हमने हेक्सागोन लेने की कोशिश की है और हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं देखिए ये आ गया हमारा एक साइड हो गया दो साइड हो गए ये तीसरी साइड हो गई और फोर साइड हो गई ये फाइव ये सिक्स अब हम इसके एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे मे बी क्लॉक वाइज मे बी एंटी क्लॉक वाइज तो आइए ड्रॉ करके दिखाते हैं ये देखिए थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है बट आपको सीधी ड्रॉ करनी है ओके तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर बोलिए इसका नाम लिख देंगे कुछ भी जो भी आप चाहें नाम लिख सकते हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है M1 वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम फाइव प्लस एम सिक्स सारे हो गए इक्वल्स टू 360 डिग्री क्लियर हुआ आपको तो यही हमारी एक्सटीरियर एंगल्स हम प्रॉपर्टी है याद रखिएगा इसको और ये हमारे बहुत काम आने वाली है आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर वन फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर तो क्या करना है बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का आपको यूज कर लेना है अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं समझी है तो स्टूडेंट्स इट इज अ रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्योंकि उसी का यूज है ओके okay? आइए देखते हैं फिर भी बने रही है यहां पर मैं आपको फिर भी समझाऊंगा सो so, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू सोचिए क्या होगा 360 ठीक है देखिए x प्लस टू फिफ्टी इक्वल्स टू थ्री अब क्या करेंगे 250 को हम ट्रांसफर कर देंगे सो so, x इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू फिफ्टी कर देंगे x इक्वल टू आ गया आपके पास 110 हंड्रेड टेन डिग्री सो इट इज आवर आंसर ठीक है मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपको वीडियो समझ आना चाहिए कंटेंट जो दिया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए और कितने अच्छे से डिलीवर हो रहा है सो so, स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और एडुटेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी समझनी है आपको देखिए हमने क्या किया सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर दिया आइए ये सेकेंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से फटाफट ये आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट तो देखिए यहां पर कुछ क्लू गिवन है दो एंगल मिसिंग है एक्सटीरियर वाले दो एंगल मिसिंग है सोचिए जल्दी से सारे बच्चे करेंगे अपनी कॉपी में कॉपी निकालिए फटाफट चुटकी बजा के ऐसे कर लीजिए आई एम वेटिंग मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप जल्दी से करिए नहीं तो सॉल्यूशन तो आपको दिया ही जाएगा बस आपको ध्यान देना है ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है ये आपको कुछ क्लू दे रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ओके okay, मुझे समझ आ गया कि आप समझ चुके हैं वो किसका सिंबल है ये क्या बता रहा है हमें कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा दोनों जगह पर ओके बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ राइट एंगल सो ये आ गया देखिए 90 डिग्री और दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा वहां भी 90 डिग्री हो जाएगा तो अब क्या करना है हमको बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन ओके तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं आपको मजा आया होगा वहां पे हमें क्या करना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सो सम कर दीजिए x प्लस नाइन्टी प्लस सिक्सटी प्लस अगेन 90 प्लस 70 इक्वल्स टू सोचिए क्या होता है 360 वेरी गुड तो अब इसको ऐड करेंगे x प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी वन एटी प्लस सिक्सटी टू अपना ऐड करिए आप लोग 240 के बाद उसमें और 70 ऐड कर दीजिए तो जो भी हो ये आपका सम आ जाएगा 310 हंड्रेड टेन इक्वल्स टू थ्री अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए x इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस थ्री हंड्रेड टेन डिग्री तो क्या आंसर आएगा x इक्वल्स टू फिफ्टी डिग्री सो स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप घर में लॉकडाउन में और स्कूल नहीं चल रहा है वीडियो का मतलब है कि आपको लगना चाहिए रियल क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर इंजॉइंग एंड लर्निंग टू मच आइए नेक्स्ट पे चलते हैं फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ नाइन साइड्स एंड फिफ्टीन साइड्स इस बार देखिए भाई एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर हो ओके रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला है यहां पर आपको okay? तो आप साइड गिवन है साइड इक्वल्स टू नाइन फर्स्ट पार्ट में ओके तो अब जरा सोचिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे याद करिए पीछे कुछ डिस्कशन हुआ है मतलब को रिलेशन आप चाहें तो कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल हमें क्या करना है पता करना है ठीक है ना फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल तो उसका फॉर्मूला देखिए टोटल 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल तो उससे आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 40 डिग्री सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 40। अब इसको ट्राइंगल वाले एग्जांपल समझ सकते हैं देखिए कैसे आपको बताया जा रहा है कितनी साइड है इसमें थ्री तो 360 को व्हेन वी विल डिवाइड बाय थ्री तो क्या आएगा वन ट्वेंटी ठीक है देखिए यहां पे डिवाइड करके दिखाया गया ये आ गया 120. ये रेगुलर पॉलीगन के लिए 60 लिया गया है ना क्वेश्चन में देखिए रेगुलर पॉलीगन कहा जा रहा है सो सेकेंड पार्ट आते हैं 15. सो so, 360 डिवाइडेड बाई 15. तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए सॉल्व कर लेंगे 15 वन जा फिफ्टीन करिए सब लोग फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी एंड फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी सो दिस टाइम आवर आंसर इज ट्वेंटी फोर डिग्री अगर आप चाहें तो इसे डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं देखिए डिवीजन मेथड से भी ट्वेंटी फोर आ गया सिक्स सिक्सटी हो गया फोर टाइम्स सो ये आंसर हो गया आपका ट्वेंटी फोर डिग्री ओके फटाफट करेंगे हम लोग आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या अभी और इसमें आपको समझना है समझ गए होंगे ना आप तो हमने क्या किया फॉर्मूला ओके चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री इस बार आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो वही पिछले क्वेश्चन में जो हमने आपको फॉर्मूला बताया ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन साइड उस पर फोकस करिए हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल देखिए रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो आइए दिखाते हैं पहले समझ लेते हैं ये रेगुलर पॉलीगन हो गया और इसके एक्सटीरियर एंगल हो गए अब कौन सा एंगल होगा कौन सा ट्रैंगल है ये इक्विलेट्रल सो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय 120 तो क्या आंसर आएगा थ्री यानी थ्री साइड्स तो हम क्या कर रहे हैं यानी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू ठीक है हमें साइड से तो पता करनी है सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर चलिए सॉल्व कर लीजिए थ्री से डिवाइड कर लीजिए थ्री एट या ट्वेंटी फोर एंड थ्री वंजा थ्री टू जा एंड जीरो फिर फोर टू जा फोर टू जाट फोर थ्री जा थर्टी सो टू वंजा टू एंड फिफ्टीन ओके वेरी गुड तो हमारे साथ अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं सो क्वेश्चन नंबर थ्री समझ गए होंगे आप थ्री को हमने ट्वेंटी से डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया है फिफ्टीन सो हाउ मेनी साइड्स देर आर फिफ्टीन साइड्स फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 देखिए इस बार इंटीरियर एंगल्स दे दिया और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वी हैव द फॉर्मूला विथ एक्सटीरियर एंगल्स सो वॉट वी विल डू तो क्या करेंगे पहले एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो चलिए एक्सटीरियर एंगल पता कर लीजिए क्या होता है भाई तो सभी पॉलीगन है तो इनका सम एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स टू वन होगा देखिए ये हो गया आपका एक्सटीरियर और ये हो गया आपका इंटीरियर तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 तो क्या करेंगे आप सोचिए क्या करना पड़ेगा पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू वन माइनस वन सो क्या आंसर आया 15 डिग्री नाउ इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन अब आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए सॉल्व करिए लीजिए सॉल्यूशन भी आ गया नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 सिक्सटी डिवाइडेड by 15. तो so सॉल्व कर लीजिए पिछली बार की तरह 15 वन जा 15 और ये हो गया 24. सो हाउ मेनी साइड्स 24 इट इज योर आंसर क्लियर हुआ मजा आ रहा है देखिए बहुत स्पीड में नहीं कराया जा रहा है और एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर समझ में आना चाहिए पसंद आना चाहिए तो आइए फटाफट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज ट्वेंटी टू सोचिए भाई क्या ट्वेंटी टू एक्सटीरियर एंगल अगर सारे हों तो हो सकता है सोचिए ओके okay. मैं बता दूं ओके देखिए वी हैव गिवन एक्सटीरियर एंगल एज ए ट्वेंटी टू और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या कहती है भाई थ्री सिक्सटी होना चाहिए अब आप इसको डिवाइड कर पाएंगे कंप्लीटली सो यू कैन नॉट डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा बट डेसिमल में आएगा तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे पता चलेगी सो so नो no. क्यों बिकॉज 22 कैन नॉट डिवाइड कैन नॉट डिवाइड 360 कंप्लीटली ओके okay, आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली का मतलब डेसिमल में आंसर आएगा और भाई डेसिमल में साइड तो हो नहीं सकती कि बोला फ्रैक्शन में साइड तो हो नहीं सकती इज देयर एनी पॉलीगन विच विच हैव फोर एंड हाफ नहीं तो आइए बी पार्ट इट कैन बी एन इंटीरियर एंगल चलो वो अपने आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई मतलब मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए सोच के देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है सोचिए वो होता है हमारा ट्राइंगल सो रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए तो रेगुलर के लिए ये हो गया हमारा इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल सो इक्विलैटरल के सारे एंगल बराबर होते हैं हाउ मच इट शुड बी अदरवाइज हाउ मच इट विल बी कितना होगा ये ये होगा 60 डिग्री तो इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ये कम से कम कितना होना चाहिए 60 डिग्री ओके okay. तो देखिए सॉल्यूशन में आ गया है ये हमने लिया है कौन सा इक्विलैटरल ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल का सम यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 होता है सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 सिक्सटी अपॉन थ्री तो ये कितना आ गया 120 ट्वेंटी सो इंटीरियर कितना हो जाएगा भाई देखिए इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 एटी माइनस वन कितना आया 60 डिग्री सो मिनिमम कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए ओके okay? समझ में आ रहा है ना तो समझ गए होंगे कि हाउ वी आर फाइंडिंग दिस सो एंगल अब अगर ये एंगल 60 से कम हो जाए तो क्या होगा भाई 60 से कम होगा तो तीनों एंगल का सम 180 कैसे होगा सो इट विल नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगन ओके अगर ये एंगल 60 से लेस हो जाए तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा क्लियर हुआ आपको इसलिए लिख भी दिया गया इफ इट इज लेस देन 60 डिग्री तो रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल ओके तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ए तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू